हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त एजाज फिर से हाजिर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली 02284 निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस में। और इसमें हमारी जर्नी जो होगी वो होगी आज मैंगलोर तक। और ये ट्रेन किस ट्रेन के बारे में जरा बता दूँ आप लोगों को। ये ट्रेन जो है हर सैटरडे को चलती है वीक में एक बार रात में 9:40 के टाइम इसको चलने का। और ये पूरा डिस्टेंस कवर करती है 2640 किलोमीटर का, जिसमें टाइम लेती है 42 घंटे 30 मिनट का। और हम जो जर्नी हम जितने किलोमीटर की जर्नी कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग करीब करीब 2200 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। और उसमें हम लोग टाइम लेंगे 36 घंटे का, जिसमें कि हमारे करीब 7 हॉल्ट होंगे। और ये हम लोग होते हुए निकलेंगे कोटा से, कोटा होते हुए रतलाम होते हुए वडोदरा, उसके सूरत वसई रोड अपना, फिर क्या कहते हैं वसई रोड रत्नागिरी होते हुए फिर हम लोग मैंगलोर पहुँचेंगे 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे। तो फिलहाल अभी मैं 1 घंटे पहले आ गया हूँ स्टेशन पे, और ट्रेन को आने में अभी है टाइम अभी काफ़ी। तो चलिए ट्रेन के आने का वेट करते हैं, इसका प्लेटफॉर्म पे अराइवल लेंगे और फिर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। और सीट जो है मेरी वो है S6 में 51 नंबर सीट, जिसके अंदर स्लीपर AC सब है, पेंट्री कार भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कैसी रहती है जर्नी ट्रेन के अंदर और कैसी है ट्रेन, वो भी आपकी जर्नी में पता लग जाएगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं आगे। और एक चीज़ बता दूँ, इसके लिए शुरुआत हुई थी वो हुई थी करीब मार्च 2010 में। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे और बने रहिए मेरे साथ। जर्नी अभी शुरू हुई है। दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगाया जा रहा है इसको। और अभी चेक करते हैं इसका कि इसका लोकोमोटिव कौन सा लगा है इसके अंदर। लोगों का नंबर है 37505W7। लोकोमोटिव है वडोदरा का W7, BRC W7। दोस्तों हम लोग ट्रेन हमारी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऊपर। और सफ़र शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है पानी। तो चलिए पानी परचेस कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद अपन सफ़र शुरू करेंगे। पेंट्री कार है लेकिन पेंट्री कार में पानी का मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए पानी ले लेते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन के बारे में बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 8। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से आप निकलिएगा तो वहाँ पड़ेगा आपको हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह, और 8 की तरफ से निकलिएगा तो वहाँ पड़ेगा आपको सराय खाले का बस अड्डा। चलिए पानी परचेस करते हैं और उसके बाद सफ़र शुरू करते हैं। और खाने की चीज़ें मैंने नहीं ली है, तो खाने की चीज़ कुछ ले लेते हैं कि खाना मैं खा के नहीं आया घर से। तो चलिए सामान परचेस करते हैं फिर मिलते हैं आगे। भैया पानी बोतल दे दो, एक केक का पैकेट दे दो। केक कौन सा वाला है? ओ
और एक चिप्स का पैकेट दे दो, ये वाला दे दो, यही दे दो, यही दे दो, ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला। कितने में? 70। तो दोस्तों ट्रेन हमारी अब खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हज़रत निज़ामुद्दीन के, और हमारी जर्नी मैंगलोर तक, बेंगलोर नहीं है मैंगलोर है, वहाँ तक की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, क्या मज़ा आता है सफ़र में, क्या क्या मिलता है देखने को, वो सब दिखाऊंगा आपको। चलिए अब चलते हैं अपनी सीट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और कोटा के अलावा सब कहीं हो गई चैन पुलिंग, अब ट्रेन मारेगी 3 हॉर्न। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। दोस्तों ये है हमारी ट्रेन की परमिसेबल स्पीड पूरी 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर जिसकी परमिसेबल स्पीड है, और इसी स्पीड पर ये कंटिन्यू चल रही है। तो ये जो ट्रेन हमने अभी ओवरटेक करी है, इसकी ये थी अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर से लेके मुंबई CST के भी चलती है, और अभी हम लोग निकल जाएंगे कोटा की तरफ, और यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी आगरा की तरफ। तो चलिए अब मैं जाता हूँ अंदर अपने कोच के, और मिलते हैं आपको कोटा में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। दोस्तों अभी हम खड़े हैं रतलाम पे, और ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है यहाँ पे करीब आधा घंटा बिफोर। मैंने अलार्म लगाया था कि आप लोगों का रतलाम का अराइवल दिखाऊंगा, तो मैंने रतलाम पहुँचने से 20 मिनट पहले का अलार्म लगा दिया था, लेकिन ट्रेन जो है वैसे 20 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुँच गई। तो जब मेरे अलार्म पहुँचने से पहले ही पहले मैंने देखा कि मैं रतलाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी ट्रेन आ चुकी है। मैं जल्दी से उठा हूँ और आप लोगों से बात करने के लिए आ गया मैं। दोस्तों रतलाम पे हमारा है 5 मिनट का स्टॉप, लेकिन अभी हम लोग रुकेंगे यहाँ पे करीब 15 मिनट और यहाँ रतलाम का जो कोड है वो है RTM, यहाँ प्लेटफॉर्म पोजिशन क्या है वो है 7, और ये आता है अपने वैष्णो रेलवे के अंदर, और यहाँ डेली जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं करीब से करते हैं 25,000 के अप्रॉक्स, और यहाँ से जो लाइन निकलती है वो निकलती है अपना दिल्ली मुंबई के लिए, जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, इंदौर के लिए। तो और रात में कोटा आया था 2:30 बजे, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
क्योंकि रात में 2:30 बजे आया था तो आँख लगी थी मेरी, मैं उठ ही नहीं पाया उसको। तो चलिए अब 9:30 बजे आएगा अपना वडोदरा, देखते हैं वो कैसा रहता है। वडोदरा मैंने आज तक सारा रात में जब भी ट्रैवल किया, रात में आया वडोदरा मेरे ट्रैवलिंग में, तो अभी वो आएगा दिन के टाइम में, तो देखते हैं वडोदरा शहर कैसा है और सिचुएशन कैसा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं फिर आगे वडोदरा पे। और ट्रेन के बारे में बता दूँ, ट्रेन अभी बढ़िया चल रही है फिलहाल, तो सब कुछ बढ़िया ट्रेन के अंदर। और 2019 का मेट कोच है मेरा, तो सब कुछ बढ़िया है। और ट्रेन के बारे में और भी चीज़ें बताता रहूँगा आपको रास्ते में, क्योंकि जर्नी तो अभी शुरू हुई है, अभी आज पूरा दिन बताना है ट्रेन के अंदर। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों हमारा हो चुका डिपार्चर अभी रतलाम जंक्शन से। हम लोग खड़े थे प्लेटफॉर्म नंबर कितना है भाई, प्लेटफॉर्म नंबर नहीं मालूम, मैंने सोचा था कि सुबह 6 बजे तक दिन निकल जाएगा, लेकिन दिन नहीं निकला अभी तक। तो अभी सुबह का पहली किरण देखने के लिए भी अभी और वेट करना पड़ेगा।
तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। ट्रेन की पेंट्री कार में नाश्ता मिलना शुरू हो गया था। पूरी सब्जी मैंने ली है, तो ये रही अपनी पूरी सब्जी। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ देखने में कैसी है और खाने में कैसी है। चलिए पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ खाकर पूरी खाने में कैसी है। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये रही अपनी पूरी सब्जी, देखने में तो ठीक ही ठाक लग रही है। चलिए मैं देखता हूँ खा करके फिर खाने में कैसी है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं पहले। तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन 06083 ट्रेन नंबर है। Thank you.
हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन, यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट, और वडोदरा का जो कोड है वो है BRC, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 7। यहाँ से लाइन निकलती है, वो निकलती है अपने अहमदाबाद के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए और अपना उदयपुर के लिए। तो चलिए अब जो है यहाँ का जो वडोदरा का जो डिवीज़न है वो है वडोदरा, और जो जोन है वो है वेस्टर्न रेलवे जोन, और ये पड़ता है अपना गुजरात में। वडोदरा जो है इंडिया का 9वां सबसे बिजेस्ट रेलवे स्टेशन है और गुजरात का 2रा सबसे बिजेस्ट रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद के बाद। तो और यहाँ पे वड़ा पाव सुना है, वड़ा पाव बहुत टेस्टी होते हैं वडोदरा के, तो चलिए वो भी ट्राई करेंगे अपने वड़ा पाव और भजिया के, देखते हैं क्या टेस्ट रहता है उसका, कैसा टेस्ट रहता है उसका, क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत टेस्ट रहता है वहाँ पे स्टेशन का जो वड़ा पाव और भजिया रहता है वो बहुत टेस्टी रहता है। तो चलिए वो भी ट्राई करेंगे, एक बार खा के देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा 10 मिनट हमारे पास अभी यहाँ पे, तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए सामान खरीदते हैं और निकलते हैं आगे। ट्रेन की बात मैं करूँ दोस्तों, ट्रेन अभी तक बहुत बढ़िया चल रही है, आज वाकई में लग रहा है कि हाँ दुरंतों में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में सफाई बहुत बढ़िया है, टॉयलेट क्लीन है, टॉयलेट के अंदर सोप वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। फिलहाल ट्रेन अभी बहुत बढ़िया है, अभी तक ट्रेन के बारे में बहुत बढ़िया सर्विस हो रही है अभी। तो चलिए अब वड़ा पाव और भजिया खरीदते हैं और ट्रेन जर्नी को आगे रखते हैं, तो मिलते हैं फिर आगे। वड़ा पाव और भैया गरम खा लो, गरम मिलेगा, गरम मिलेगा, आ जाओ इधर इधर आ जाओ। कितना प्लेट दो? एक एक प्लेट दे दो दोनों। क्या दूँ भैया? भी दे दो। गरम खाना बोलो जी, गरम गरम खाना बोलो, गरम गरम। इधर आ जाओ, किधर बैठो आप? मैं अंदर बैठा हूँ। एक काम करो, पहले पैसे ले लो। हाँ पैसे ले लो। हाँ वो लो, चार हज़ार पैसे पकड़ो, कुछ इसको पकड़ोगे। हाँ मालगाड़ी है दो, चार चार। ठीक है, दोस्तों वडोदरा की सबसे फेमस चीज़ जो खाने में भी टेस्टी होती है बहुत, वो मैंने अब उसको हम लोग खा के दिखाएंगे, वो है ये वड़ा पाव और भजिया। तो सुनने में आया है कि वडोदरा के वड़ा पाव बहुत टेस्टी होते हैं और भजिया भी, तो फिलहाल टेस्ट करके देखते हैं इसको कैसे खाने में। तो लेट्स ट्राई, ये रहा। बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ना पड़ता है यार। बात तो सही है, बहुत टेस्टी है वड़ा पाव वडोदरा का। तभी अब यहाँ से निकलते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा और यहाँ के वड़ा पाव ज़रूर खाइएगा। तो मैं भजिया पे ट्राई कर लूँ एक बार, बस भजिया में एक ही ध्यान रखिएगा, मिर्ची बहुत है सुंदर, तो जो मिर्ची नहीं खाते हैं अगर जान से खाइएगा इसको। मैं भी नहीं खाता मिर्ची, मैं भी जान से खाऊँगा। इतने खास नहीं है लेकिन बड़ा पाओ एक नंबर, मज़ा आ गया। चलिए मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ और फिर जर्नी में आगे मिलते हैं और खूबसूरत नज़ारों को देखते चलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताना भूलिए आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को कोंकण की जगह दिखाऊंगा, कोंकण रेलवे की जगह दिखाऊंगा। पूरा कोंकण नहीं दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को, रात हो जाएगी और लोग जा रहे हैं मैंगलोर तक, तो मैंगलोर पहुँचने से पहले गुफा आती वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जर्नी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, अभी अभी तो देखते जाइए कि क्या क्या मिलता है जर्नी के अंदर, तो देखिएगा पूरी आप लोग और देखते हैं कोंकण की झलक कैसी रहती है। मैंने कोंकण आज तो पहली बार जा रहा हूँ, तो पनीर ही मेरे साथ।
पहुंच चुके हैं सूरत जंक्शन। सूरत जंक्शन हमें पड़ता है दोस्तों गुजरात के अंदर। यहाँ की प्लेटफॉर्म की संख्या है वो है 4, और यहाँ से लाइन निकलती है वो निकलती है अपना मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, वडोदरा के लिए, चेन्नई के लिए, हावड़ा के लिए, जलगांव के लिए। तो और इसी दिन शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1852 में। और तो कुछ खास नहीं उस के बारे में। और हाँ, इसमें जो डिवीज़न है वो है मुंबई, और फिर जोन है वो है वेस्टर्न रेलवे। और ये सूरत जो अपना सूरत सिटी है वो अपना फेमस है अपना डायमंड के लिए। डायमंड की पॉलिशिंग पूरे दुनिया में जितनी भी डायमंड की पॉलिशिंग होती है 90% डायमंड की पॉलिशिंग सूरत में होती है। और सूरत अपना सिल्क और कॉटन के मिलों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है सिल्क की फैक्ट्री और कॉटन की फैक्ट्रियाँ। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ अभी 3 मिनट का स्टॉप है, मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों से बात कर ली। तो आप लोगों ने देखा बड़ा पाव वडोदरा का कैसा था, मैं आपको ट्रेन के अंदर का भी दिखाऊंगा तो टाइम मिलने के बाद। अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ट्रेन एकदम टाइम पर पहुँची है। यहाँ पर टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो चलिए वापस चलते ट्रेन के अंदर और फिर मिलते हैं आगे अपना वसई रोड पर, क्योंकि अब सीधा वहाँ पर वहीं रुकेंगे हम लोग। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को कि इस ट्रेन का जो है इंजन चेंज हो चुका है वडोदरा पे। इलेक्ट्रिक इंजन तक आया था वडोदरा तक ये ट्रेन आई थी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ, बैच 7 के साथ। यहाँ से वडोदरा से लग गया है WDB 4D डीजल लोकोमोटिव, जो कि हमारा एर्ना तक जाएगा, एर्नाकुलम तक। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अब हम लोग कोंकण में घुसेंगे पनवेल के बाद, तो इसलिए वडोदरा पे लोकोमोटिव चेंज हो गया है, क्योंकि वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक इंजन पूरा सही से हुआ नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, हम लोग 3 मिनट हो चुके हैं पूरे। तो चलो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। सूरत दोस्तों अपना पड़ता है गुजरात के अंदर, और इसका जो कोड है वो है ST। JCB की खुदाई अभी चलेगा।
थोड़ा मसाला मिला दूँ लोगों को। तो चलिए जरा मैं वो पोच दिखा दूँ अपना कि पोच की मेरी कितनी कितनी मेरी। ये देखिए मैं भी पोच के यहाँ पर खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हुआ साफ सुथरा बहुत है पोच वाला। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सफाई बिल्कुल मेंटेन की गई है इसके अंदर, सफाई की कोई कमी नहीं की गई है। और ये है देखिए अपना दोस्तों यहाँ अंदर वाला एरिया, ये पोच के अंदर का एरिया है, ये भी बिल्कुल अच्छे से सफाई बिल्कुल अच्छे से मेंटेन की गई है, कोई गंदगी नहीं है। सुबह से करीब दो तीन बार इसके लिए सफाई हो चुकी है पोछा लगता है ट्रेन के अंदर। अब इसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ दुरंतो हाई कैटेगरी की ट्रेन होती है, दुरंतो जैसी ट्रेनें उनसे ट्रैवल कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। रेलवे ने सर्विस इसके लिए अच्छी मेंटेन कर रखी है, नो डाउट। अगर हर ट्रेन में ऐसा सर्विस आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह में टॉयलेट गया था, टॉयलेट भी अच्छा खासा नीट एंड क्लीन था, कोई गंदगी नहीं लग रही थी देखने में। तो चलिए अभी और स्किप और अभी कंपन की शुरुआत तो बाकी है अभी, चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों इस जर्नी के पहले पार्ट को हम कल ख़त्म करते हैं वसई रूट के अराइवल पे। जर्नी ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आ जाते हैं कि वसई रूट के अराइवल तक, दूसरा पार्ट जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस पहले पार्ट को देखिए और बताइए आप लोगों को जर्नी का पहला पार्ट कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो दोस्तों प्लेटफॉर्म तो दूसरी तरफ आ गया और भीड़ बहुत थी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं पाया आप लोगों को। इसी वजह से मैं गेट पे नहीं जा पाया उस तरफ, तो अभी डिपार्चर के टाइम प्लेटफॉर्म डिपार्चर ले।